नमस्कार, आप देख रहे हैं द डेली टाइट और मैं हूं शुभ्रा। देश के जनप्रिय नेता एवं मां भारती के पुत्र स्वर्गीय अरुण जेटली जी की जयंती पर पटना के विधान परिषद सभागार में उनकी जयंती मनाई गई और उनकी स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर विधान परिषद के उपसभापति अवधेश नारायण एवं बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा, भाजपा के विधान परिषद के सदस्य संजय पासवान, विधान पार्षद देवेश जी तथा वरिष्ठ पत्रकार एवं पांचजन्य के बिहार के संपादक संजीव जी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अवधेश नारायण ने अरुण जेटली जी की जयंती पर उन्हें याद करते हुए नमन किया। वहीं जल संसाधन मंत्री संजय झा, जो स्वर्गीय अरुण जेटली जी के काफी करीबी रहे हैं, उन्होंने नीतीश कुमार और जेटली जी से जुड़े कई पुराने किस्से साझा किए। अरुण जेटली जी को उन्होंने अपना राजनीति का गुरु भी बताया। अन्य वक्ताओं ने अपने अपने माध्यम से अरुण जेटली जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में भी उनका बड़ा ही आत्मीय संबंध था, बहुत आत्मीय संबंध था और वो लोग बराबर मिलते थे। अब जब भी कोई देश की समस्या हो, पार्टी की समस्या हो, अंदरूनी समस्या हो या बाहरी समस्या हो, अरुण जेटली जी एक ऐसी शख्सियत थे और इतना इंटेलिजेंट, इतने बुद्धिमान आदमी जो कि उनकी बात का सब लोग लोहा मानते थे। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा, जिस दिन उनका देहांत हो गया उस दिन विदेश में थे और उसने कहा कि मेरा दोस्त छोड़ के चला गया। और बहुत उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भी कहा कि मैं आज दुखी हूँ कि उस अपने देश में नहीं हूँ जहाँ की मेरे दोस्त की लाश पड़ी हुई है। तो इस तरह से आप समझिए कि कितनी बड़ी शख्सियत है। और किसी आदमी से, पक्ष हो विपक्ष हो, इस तरह का एक व्यक्तित्व जो कि सब जगह आदर पाता था। कोई ऐसा दिन नहीं होता था जो हम लोग सेकंड हाफ में जाके नहीं एक दो घंटा बैठ जाते थे और सारे पत्रकार जो दिल्ली के हैं वहाँ बैठे रहते थे, उनको उस हिसाब से देखने का मौका मिला। लेकिन एक पार्ट तो बिहार है और दूसरा पार्ट उनका व्यक्तिगत, जो हम लोगों ने देखा किसी भी पोजीशन में रहे हो, कितने भी बड़ी समस्या आपके जीवन में हो, अरुण जी को फोन कर दीजिए, उनसे जाकर मिल लीजिए तो दो मिनट में लगता था कि सॉल्यूशन मिल गया, उसको रास्ता दिखा देते। और उसमें पक्ष विपक्ष कोई भी जाकर के ये बात रखता था, हम लोग देखते भी थे और पर्सनल लाइफ में भी अनुभव किए। लेकिन मुझे उनके साथ नजदीक से काम करने का मौका मिला जब वो बिहार के प्रभारी बने 2004। और बहुत सारे लोगों को याद होगा कि उस समय अटल जी की सरकार चली गई केंद्र में, बहुत लोगों को नहीं भरोसा था कि सरकार एनडीए की चली जाएगी, बात पुरानी हो गई। डॉक्टर संजय पासवान जी वगैरह तो उस सरकार में मंत्री थे और बिहार में भी एनडीए बुरी तरह हारा था, काफी सीट लूज किए थे 2004 के पार्लियामेंट लोकसभा चुनाव। उसके बाद वो प्रभारी बने बिहार, और ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी जब वो प्रभारी बने यहाँ पर, तो ये नहीं लगता था कि यहाँ पर कोई सत्ता परिवर्तन हो जाए। हम लोग तो आना शुरू किए कि कोई यहाँ सरकार बदल जाएगी, कि इतना माइट वाला सरकार बना। जो यहाँ पर मुख्यमंत्री थे उनके लालू जी वहाँ जा कर के रेल मंत्री बने थे, सरकार उन पर डिपेंड कर रहा था केंद्र में, और यहाँ पर पूरा शासन था और हम लोग पार्लियामेंट लूज कर चुके थे तो थोड़ा मॉरल भी वो था। उस समय प्रभारी बन गया। अरुण जी के व्यक्तित्व से हम लोग बहुत देखने को मिलता है। 28 दिसंबर 1952 को जन्म हुआ, सेंजीनियर्स में पढ़े। एक जो बात उनके साथ थी, वो बनना चाहते थे अभियंता, लेकिन पिताजी चाचा जी दोनों अधिवक्ता थे तो किसी कारणवश वो इस पेशे की ओर आए। लेकिन जो शिल्प का जो उनका उनका जो संकल्पना थी शिल्पी बनने का, वो शिल्प बार बार उनको विभिन्न क्षेत्रों में मिलता है, जैसे संजय झा जी बता रहे थे। एक 1971-72 में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और परिषद के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री बने।
73 के चुनाव में उन्हें लगा कि मुझे यहाँ से अध्यक्ष के नाते टिकट मिलेगा, लेकिन किसी कारणवश होता है नहीं मिला, आलोक जी को मिला। थोड़े से रूठे भी, और स्वाभाविक रूप से जो राजनीतिक दलों में होता है या विद्यार्थी संगठनों में होता है, जहाँ चुनाव होते हैं कि दूसरे लोग डोरा डालने चले जाते हैं, तो एन एस सिवाय के लोग चले गए कि भाई आपको हम लोग टिकट देते हैं, आपको अध्यक्ष ही बनना है, आप हमारे फोरम से लड़िए। जिस बात की चर्चा कर रहे थे आदरणीय संजय गांधी, उस समय उन्होंने कहा कि विद्यार्थी परिषद से ही मैं लड़ूंगा, भले ही मैं चुनाव नहीं लड़ूं। और 74 में उन्होंने चुनाव लड़ा और दिल्ली छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसके बाद की कहानी सबको मालूम है। लगातार सक्रिय रहे और यहाँ पर 2005 के जो चुनाव की बात हो रही थी, उस समय छोटे छोटे कार्यकर्ता से भी वो फीडबैक देते थे, उनका अपना नेटवर्क था, पार्टी फोरम पे चर्चा करते थे, योजनाएं बनाते थे। उस समय उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था जिस समय नीतीश जी की घोषणा हुई, तो गोपाल बाबू अध्यक्ष थे, गोपाल नारायण सिंह जी और सुशील जी बीच में आकर के उन्होंने घोषणा की कि हमारे एनडीए के प्रत्याशी होंगे आदरणीय नीतीश कुमार जी। सीटों को लेकर के होता है, किसी पार्टी या किसी विधानसभा सीट पे किसी और को टिकट मिला था, उसके लोग हंगामा कर रहे थे। इस बात पे थोड़ा सा विवाद भी हुआ, लेकिन फिर मामला शांत हो गया। ये भी बात मरमरी होने लगी कि जदयू की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए था, भाजपा की तरफ से क्यों गया। लेकिन फिर जल्दी ही सारी बातें, जहाँ अरुण जी कैंप कर रहे थे वहाँ विवाद लंबा टिकता नहीं था। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे द डेली टाइप से।